गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार प्यारे बच्चों। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, पाँव से रौंदी गई बेकार समझकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। कि वो जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इन्हीं पंक्तियों को आत्मसात करते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हमने लिया है आपकी पोएट्री सेक्शन को, जो पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसको जो कंपोज किया है आपके सर हेनरी वाटन ने। सबसे पहले टाइटल का अर्थ क्या है, टाइटल की मीनिंग क्या है, इसको समझ लिया जाए। क्या कहना चाह रहा है आपका पोएट इस जो है टाइटल के माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं, इसको देखा जाए। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर मतलब रहस्य मान लीजिए, राज मान लीजिए, चरित्र मान लीजिए, हैप्पी लाइफ मतलब खुशहाल जीवन का चरित्र, खुशहाल जीवन का राज या खुशहाल जीवन का रहस्य, एक प्रसन्नचित जो है जीवन का रहस्य, आनंदित जीवन का रहस्य। लिखा किसने है, सर हेनरी वाटन ने। किसने लिखा है, सर हेनरी वाटन ने लिखा हुआ, ठीक है। ये 1568 जो है ईस्वी में पैदा हुए, 1639 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। इतना जो है जानना इनके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक। तो आइए अब इन सारी चीज़ों को जान लेने के बाद हम जानते हैं कि वास्तव में जो पोएट है जो आपके सर हेनरी वाटन है, हम लोग को बताना क्या चाहते हैं इस टाइटल के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हम सबके सामने कौन सा विचार, कौन सा भाव रखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इस पोएम की जो थीम है बेटा, वो एक खुशहाल जीवन के चरित्र के बारे में, खुशहाल जीवन के रहस्य बारे में, कि कैसे एक खुशहाल जीवन, एक आनंदित जीवन, एक आनंदपूर्ण जीवन जो है व्यतीत किया जाए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या रहस्य होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी। आपके जो पोएट हैं, आपके कंपोजर हैं इस पोएम के, सर हेनरी वाटन, वो हम सबके सामने अपना तथ्य रखेंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि एक सच्चा व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति कर सदैव ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, बेईमानी नहीं करता है, सत्य बोलता है, ईमानदारी का विचार उसका सबसे अच्छा सुरक्षा कवच होता है, वो लोगों की आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो जो है राजा की कृपा प्राप्त की इच्छा नहीं रखता है, वो सुबह शाम जो है भगवान की प्रार्थना करता है उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, ना कि जो है उसके द्वारा दिए गए उपहारों की इच्छा रखता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों को, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को यहाँ पर हम सबके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका वर्णन किया हुआ है सर हेनरी वाटन ने। आइए इसकी टेक्सुअल रीडिंग के साथ साथ इसकी मीनिंग भी देखते चलें, और वास्तव में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, एक जो है स्वस्थ जीवन का, एक खुशहाल जीवन का जो रहस्य होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा जो आपका स्टार्ट होता है, कह रहा है हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट डॉट दैट सर्च नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, ठीक है। टेक्सुअल रीडिंग हो गई, देखिए देख रहे करें हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज मतलब है ही मतलब वह, बार मतलब जन्म से, आर मतलब अथवा, टाट मतलब शिक्षा से, जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, दैट जो कि ऐसा व्यक्ति, दैट सर्व मतलब कार्य करना, वर्ग जिसको बोलते हैं, नाट मतलब नहीं, अनादर मतलब दूसरों की बिल मतलब इच्छा, जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। मतलब कहने का ये कि वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, क्लियर। आइए आप इस थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं, कहता है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हेनरी वाटन सेज दैट दीज लाइन, इन दीज लाइंस हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका जो सुरक्षा चक्र होता है, सुरक्षा कवच होता है, इज क्या होता है, हिज ऑनेस्ट थॉट उसका ईमानदारी का विचार होता है, ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा चक्र होता है, सुरक्षा कवच होता है, कहे यूं कह दिया जाए कि जो है वो सच्चा व्यक्ति या प्रसन्नचित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति सदैव ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, कभी बेईमानी के रास्ते पर जो है दिग्भ्रमित नहीं होता है, बेईमानी के रास्ते पर नहीं जाता, सदैव ईमानदारी के रास्ते पर जो है चलता है, अपने आप को जो है अग्रसर करके रखता है।
क्लियर। आइए लास्ट लाइन देखें इसका संज्ञा की, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। सिंपल ट्रूथ मतलब सरल सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही उसकी क्या होती है, सर्वोत्तम योग्यता होती है, सर्वोत्तम कुशलता होती है। मतलब कि सदैव वो सत्य के रास्ते पर चलता है, सदैव ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। ठीक हो, ये जो है आपका फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, जो है आशा है कि जो है वैसे भी जो है आपको क्लियर हो गया, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए कि हाउ हैप्पी इज बार नॉट आर्ट, जन या शिक्षा से व्यक्ति कितना प्रसन्न है, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, ईमानदारी का विचार जिसका सबसे अच्छा सुरक्षा चक्र होता है, सुरक्षा कवच होता है, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य बोलना ही, सत्य के रास्ते पर चलना ही, ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, सर्वोत्तम कुशलता होती है। ठीक, आइए सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, आप प्रिंसली लबार वेलकम विद, वेरी वेरी नाइस स्टेंजा। हुज पैशन, पैशन मतलब मन की तीव्र इच्छा, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, घृणा हो गई, नॉट हिज मास्टर्स आर, मतलब कि जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है, वो अपनी मन की तीव्र इच्छाओं के वशीभूत होकर के उसके नियंत्रण में आकर के जो है कार्य नहीं करता है। आगे बात समझ में, हुज सोल, सोल मीन्स आत्मा, प्रिपेयर मतलब मृत्यु, प्रिपेयर मतलब तैयार रहती है डेथ मतलब मृत्यु के लिए, जिसकी अंतर आत्मा जो सदैव मृत्यु के लिए क्या रहती है, तत्पर रहती है, तैयार रहती है, कहीं यूं लिया जाए, या कहने का मतलब ये है कि जो है उसकी अंतरात्मा मृत्यु से भयभीत होने वाली नहीं होती है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति कभी मृत्यु से घबराता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद, टाई मतलब बंधा, अनटाइड मतलब फ्री होना, अनटू द वर्ल्ड विद केयर मतलब सांसारिक चिंता से, सांसारिक बंधनों से क्या होता है, मुक्त होता है। वास्तव में व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से, सभी प्रकार की सांसारिक चिंताओं से जो है क्या होता है, मुक्त होता है। आर प्रिंसली लव आर वल्गर विद, और किन किन चीजों से मुक्त होता है, प्रिंसली लव, ना तो उसे राजा की कृपा प्राप्त की इच्छा होती है, और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता करता है, वो सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचना से भी मुक्त होता है, मतलब उसके बारे में नहीं विचार करता सोचता है, और ना ही राजा की कृपा प्राप्ति की इच्छा रखता है कि राजा उसे कोई उपहार दे। क्लियर, फिर से देख लीजिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की तीव्र इच्छाओं को, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, इसकी अंतरात्मा, इसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वो सदैव, वो मृत्यु से घबराने वाला व्यक्ति, भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव आर वल्गर विद, और उसे ना तो राजा की कृपा प्राप्ति की इच्छा होती है, ना ही सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं की वो चिंता करता है। आइए थर्ड स्टेंजा, प्रिय विद्यार्थियों आइए अब हम थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा में आप ईश्वर हिंद्री वाटन कह रहे हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स रीप, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फील नॉर रुइन मेक अ प्रेसर्स ग्रेट। ध्यान से समझिएगा इस चर्चा को, क्या कहना चाह रहे हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फील, कहने का मतलब, र्यूमर मतलब अफवाह होती है, र्यूमर मीन्स अफवाह, ठीक है, फ्री मतलब स्वतंत्र होना, मुक्त होना, कि जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वास्तव में जो सच्चा व्यक्ति, अनुसार व्यक्ति होता है, उसका संपूर्ण जीवन जो होता है क्या होता है, अफवाहों से मुक्त होता है, मतलब अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देता है। क्लियर, हुज कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, इनर सोल, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, स्ट्रांग मतलब दृढ़, रिट्रीट मतलब चरण स्थल, मतलब कि जो उसकी अंतरात्मा होती है, उस आनंदित या खुशहाल व्यक्ति की अंतरात्मा होती है, वही उसका दृढ़ शरण स्थल होती है, सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। कहना ये चाह रहे हैं आपके कवि, कवि पंक्ति के माध्यम से, कि जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति या वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है, वो अपने अंतर मन की आवाज के अनुसार, अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार कार्य करता है,
यदि उसका अंतर्मन उसका हृदय गवाही देता कि हाँ हमें ये कार्य करना चाहिए, तब वो कार्य करता है। यदि अंतर्मन गवाही नहीं देता कि हाँ ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो उस कार्य को नहीं करता है। इसीलिए आत्मा ही, उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे दृढ़ सरल सफल होती है। Whose state can neither flatterers feed, flatterer चापलूस। उसका संपूर्ण जीवन जो होता है वो चापलूसी से जो है प्रभावित होने वाला नहीं होता है, मतलब कि चापलूसियों के चक्कर में नहीं पड़ता है, मतलब कि जो आपके मुंह पे आपकी बोले, जो हमारे मुंह पे हमारी बोले, इन्हीं व्यक्तियों क्या जाता है चापलूस, तो वो चापलूसों के चक्कर में चापलूसी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं होता है। कैसा व्यक्ति? सच्चा व्यक्ति या वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है। नार रुइन मेक अप्रेसर्स ग्रेट, अप्रेसर मतलब विरोधियों को, ग्रेट मतलब महान, रुइन मतलब नष्ट करना या विनाश करना, मतलब कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में जो प्रसन्नचित व्यक्ति है, जिसके अंदर ईमानदारी का विचार है, जो सदैव सरल सत्य बोलता है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो अपने अंतर्मन की प्रेरणा के अनुसार कार्य करता है, ऐसे खुशहाल व्यक्ति को यदि कोई रुइन हानि पहुंचाएगा, उसको बिना उसका विनाश करने का प्रयास करेगा, उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, उसके विरोधी उसको जो है उसका विरोधी ऐसा विरोधी वो महान नहीं बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति या खुशहाल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, क्षति पहुंचाने वाला विरोधी जो होता है, प्रसन्न होता है, वो महान नहीं हो सकता, महान नहीं बन सकता है। बात फिर से देख लीजिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे खुशहाल व्यक्ति की संपूर्ण जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज स्ट्रांग रिटीट, वह अपने अंतर्मन की आवाज के अनुसार कार्य करता है, अपने अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार कार्य करता है, उसकी अंतरात्मा है उसका सबसे दृढ़ सरल स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, वो चापलूसी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं होता है, चापलूसी से वो प्रभावित नहीं होता है, मतलब चापलूसों के चक्कर में नहीं पड़ता है। ग्रेट, और ऐसे खुशहाल व्यक्ति का नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले विरोधी, उसको हानि पहुंचाने वाले विरोधी महान नहीं बन सकते। आइए फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। हू एनर्जीज नन हूम चांस डथरे नार वाइस, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंस आर गिवन विद प्रेज नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। क्लियर, क्या कहना चाह रहे हैं ये देखा जाए जो है। In this stanza, Sir Henry Wharton says that who envies none whom chance doth raise. Envy मतलब ईर्ष्या करना, envy मतलब ईर्ष्या करना, chance मतलब अवसर जो है, raise मतलब उत्थान। मान लीजिए कि सच्चा व्यक्ति, वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है, किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, जिसने संयोगवश प्रगति प्राप्त कर ली हुई है, इसने भाग्यवश प्रगति प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्ति से वो ईर्ष्या नहीं करता है। क्लियर, नॉर्वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, जो ये कभी नहीं समझता है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, मतलब कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि सच्चा व्यक्ति या प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वो प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, प्रशंसा किसी ने कर दी तो उसको अपना सर्वस्व ध्यान नहीं कर देगा, सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर देगा, वो प्रशंसा से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं होता। नार रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड, उसे अच्छाई के नियमों की चिंता होती है। कहने का मतलब ये कि वो राज्य के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है, बल्कि जो उसके लिए अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, वो उसके लिए कार्य करता है, उन अच्छाई के नियमों पर चल करके कार्य करता है। ठीक है, हु एनर्जीज नन हूम चांस डथ रेज, वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति, प्रसन्नचित जो व्यक्ति होता है किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोगवश प्रगति प्राप्त कर ली है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, जो ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, मतलब कि वो प्रशंसा से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं होता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे जो है राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बल्कि उसे अच्छाई के नियमों की चिंता होती है, वो अच्छाई के नियमों पर चल करके अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक, आइए अब हम फिफ्थ नंबर स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to late
स्टूडेंट हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर्टिकल, बहुत ही अच्छा स्टैंड है। हु गॉट द लेट एंड अर्ली प्रेज, लेट मीन्स शाम मान लीजिए, अर्ली मीन्स सुबह मान लीजिए, प्रे मीन्स प्रार्थना मान लीजिए। जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वास्तव में जो खुशहाल व्यक्ति होता है, वो सुबह शाम प्रार्थना करता है, किसकी, भगवान की। वास्तव में आनंदित व्यक्ति जो है सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, उसका भजन गाता है, उसका स्तुति गान करता है, उसको याद करता है, ठीक। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अधिक से अधिक कृपा प्राप्ति के लिए जो है उसका भजन गाता है, उसका स्तुति गान करता है। देन गिफ्ट टू लेंड, कि जो है उसकी जो है उसके द्वारा उपहारों की चिंता नहीं होती, मतलब कि भगवान के द्वारा दिए गए उपहारों की चिंता नहीं करता, उसके उपहार प्राप्त की इच्छा से न प्रेरित होकर के वो जो है उसकी कृपा प्राप्ति के लिए सुबह शाम भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन, इंटरटेन से व्यतीत करना, स्पेंड द हार्मलेस डे, संपूर्ण दिवस विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वेल मतलब अच्छी, चूजन मतलब चुनी हुई बुक, मतलब किताब, फ्रेंड मीन्स मित्र। जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, जो वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है, वो अपना संपूर्ण दिवस किसी अच्छी किताब के साथ या किसी अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। क्लियर, फिर से एक बार देख लीजिए। हु गॉट द लेट एंड अर्ली प्रेज, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति या सच्चा पूर्ण रूप से खुशहाल व्यक्ति होता है, सच्चे रूप से खुशहाल व्यक्ति होता है, वो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की प्रार्थना उसी कृपा प्राप्त के लिए करता है, ना कि उपहार प्राप्त के लिए करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, जो अपना संपूर्ण दिवस जो है किसी अच्छी किताब के साथ या किसी अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। क्लियर, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिक्स स्टेंजा की तरफ, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेंजा की तरफ, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेंजा की तरफ चलने चलते हैं आपको, जो आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच की भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, फिगर ऑफ स्पीच आपने पहले पढ़ भी चुके हैं आप जो है। तो देखिए, तेरा दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड, आप होप टू राइ आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैज फॉल। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा सर हेनरी वॉटन सेज दैट अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ सर्वाइव बैंड। कहने का मतलब ये कि वास्तव में जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वास्तव में जो खुशहाल व्यक्ति होता है, वो सभी प्रकार की सर्वाइव बैंड, जो सांसारिक जंजीरें हैं, सांसारिक बंधन की जो जंजीरें हैं, उनसे क्या होता है, मुक्त होता है। सांसारिक बंधन की जंजीरें, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी माता हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारी पत्नी हैं, जितने भी बंधन हैं, जितने भी सांसारिक बंधन हैं, उन सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से जो वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, और ऊपर उठने की आशा से भी मुक्त होता है, और ना ही नीचे गिरने का उसे भय होता है, मतलब नीचे गिरने के भय से भी वो मुक्त होता है, ना तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है, ना ही नीचे गिरने का भय होता है। कहने का मतलब ये कि इन दोनों विचारों से ना तो उसे उत्थान की चिंता होती है, ना ही अपने पतन की चिंता होती है, सब में एक समान भाव रखता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मतलब स्वामी, हिमसेल्फ मतलब खुद का, दो नाट यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो संपूर्ण संसार का, समस्त संसार का स्वामी नहीं होता है, फिर भी वो अपने मन का, अपने अंतर्मन का, अपने अंतःकरण का स्वामी अवश्य होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही है थाल, सब कुछ होता है। इसमें आपका जो है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ, आप ध्यान दे रहे हो, व्हेन वी पुट टू अपोजिट आइडियाज, ठीक है, जब हम एक ही साथ दो विपरीत विचार रखते हैं एक ही जगह पे, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, ऑक्सीमोरन की तरह स्पीच होती है, वही कह रहा है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही है थाल, ऐसे वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास कंटेंटमेंट होती है, संतुष्टि होती है, बिकॉज कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, तो संतुष्टि होती है, सबसे अच्छी प्रसन्नता होती है इस संसार की। आशा करते हैं कि आपको जो है पोयम अच्छे से समझ में आई होगी, जहाँ न समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए,
जब तक न समझ में आए तब तक देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।